छपरा की, जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। छपरा में कई जगह बाढ़ का पानी भर गया है। ज्यादातर इलाकों में सड़कें समुन्दर में तब्दील हो गई हैं। लोगों के मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। लोग कमर तक पानी में डूबकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। छपरा में बाजारों और स्कूलों में भी पानी भर गया है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, लोग अपने सामानों को हाथ पर लिए हुए इस पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। कई लोग अपने बच्चे कुछ सामान के साथ सुरक्षित ठिकानों की तलाश के लिए जा रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि जान जोखिम में डालने जैसा ही है। लेकिन इस बात का आभास होते हुए भी लोग इसी तरह से जाने के लिए मजबूर हैं। छपरा बाढ़ से प्रभावित है और प्रभाव इस कदर है कि कई इलाकों में संपर्क टूट गया है गाँव का सड़क से। इस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद है वहाँ पानी का जो करंट है, जो फ्लो है, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ किस कदर पानी का करंट दिख रहा है। लेकिन इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आप साइड में होइए, देखिए किस कदर पानी का जो करंट है वो अधिक है। लेकिन इसके बावजूद आना जाना लोगों की मजबूरी बनी हुई है इस इलाके में, चूँकि आवागमन का कोई साधन नहीं है और लोग इसी तरीके से आ जा रहे हैं। एक बोट की आदत व्यवस्था तक नहीं है। सवाल यही उठता कि आखिरकार छपरा जिला प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, जिसकी महती जिम्मेवारी है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यहाँ पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य चलाया जाए। लेकिन शायद सरकार तक जो इनकी बात है वो नहीं पहुँच पाई है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है, मकसद यही है सरकार तक इनकी बात पहुँचे। कौन सा ये इलाका है? छपरा जिला सर। अच्छा ये बताइए, सूरतपुर? हाँ सूरतपुर। सूरतपुर में पानी का इतना करंट है फिर भी लोग आ जा रहे हैं, जा रहे हैं? हाँ सर, छपरा जिला यह है कि सब लोग आते जाते हैं। गाँव नहीं है यहाँ पे? गाँव कहाँ है सर। कितने दिन से ये व्यवस्था पानी का? ये 7-8 दिन हो गया। 8 दिन में कौन कौन यहाँ पहुँचा है? सीओ साहब, बीडीओ साहब? नहीं तो हम लोग के सामने कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया? विधायक जी ना? देखिए नेता जी नहीं आए, विधायक जी नहीं आए, एमपी साहब नहीं आए, सीओ साहब नहीं आए, बीडीओ साहब नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं आए। मुखिया जी नहीं? मुखिया जी? मुखिया जी को आप लोग खोजे थे? हाँ, मुखिया जी है ही नहीं गांव में, तो आएंगे कहाँ से? आ गए, सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं क्या? सुरक्षित स्थान तो पहले से है, छपरा, छपरा चले गए हुए हैं टाउन। फिर वोट दीजिएगा आप लोग? हम नहीं देंगे। पछतावा हो रहा है? बहुत पछतावा हो रहा है उनको वोट दे करके। वोट नहीं देंगे, सीधा वोट नहीं देंगे लोग। तो देखिए ये हाल है छपरा के एक बाढ़ प्रभावित जिले का, इलाके का। और यहाँ परिस्थिति ये है कि जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकारी नुमाइंदे कोई नहीं पहुँचे हैं। न्यूज 18 की टीम जरूर पहुँची है। तो बिहार के छपरा में गंगा का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है। कई गांव पानी में डूब चुके हैं, जहाँ लोगों के पास नाव का ही सहारा है। राहत बचाव का काम शुरू न होने पर लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। तो पानी भरने से कई इलाके आप देखिए, लोगों के आशियाने डूब गए हैं, घर पर रखा सामान खराब हो गया है, रोज वहां पर जिंदगी बिताना उनके लिए मुसीबतों भरा हो गया है। लोगों के घरों में रखा सामान पानी की भेंट चढ़ चुका है, बह गया है उसका आशियाना। तो इस तरीके की स्थिति बिहार के छपरा में है। बाढ़ की मार लोग वहां पर झेल रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो वहां फंसे हुए हैं। उनको टीमें बनाई गई हैं, राहत बचाव दल है, वो निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। पानी भरने से कई इलाकों तक पहुंचना जो है राहत बचाव दल के लिए वो भी चुनौतियों भरा हो गया है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के बाद छपरा के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हम अभी खड़े हैं शहर से सटे रतनपुरा मोहल्ले में, जहां पे पानी लगभग 5 दिनों से शहर में घुस चुका है। और स्थिति यह है कि आप देख सकते हैं कि रोड पर अब नाव चल रहा है। ये नाव जो है देख रहे हैं कि ये सड़क है जो कि सीधे चली जाती है गांधी चौक की तरफ, और इस रोड पर अब नाव को चलाया जा रहा है। तो स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात बन चुके हैं छपरा में। और भी दियरा इलाके की स्थिति और भी भयावह है, जहाँ पर पानी लगभग 8 दिनों से घुसा हुआ है और लोग काफ़ी परेशान हैं। दिखाना चाहूँगा ये नाव है, इस नाव के सहारे लोग अब आवागमन करते हैं इस पूरे एरिया में, और ये नाव ही अब सहारा है यहाँ के लोगों के आवागमन के लिए। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि बताइए कि क्या समस्याएं आप लोग हो रही है यहाँ पे इस तरीके से? पानी तो सारा अस्त व्यस्त, सारा व्यवस्था बंद है, इसमें घर में तो पूरा पानी घुस गया है। ये 8 दिन से लगातार पानी बढ़ी जा रहा है। 8 दिन से लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब
तो आपने देखा कि कहीं पानी कम होने की बात नहीं है, चूंकि आप दिखा सकते हैं कि ये देख लीजिए, ये पूरे जो घर है ये पक्के के मकान है जो कि डूबे हुए हैं। चूंकि दियरा का इलाका है, ये शहर का निचला इलाका कहा जाता है, और यहाँ पे पानी आए हुए लगभग 8 दिन से अधिक बीत चुके हैं, और पानी का स्थिति जो है कि अभी भी पानी लगा हुआ है, और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, सैकड़ों घर है जो कि पानी में डूब चुके हैं, और आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा है। यहाँ पर लोग किसी तरह से अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के आवागमन कर रहे हैं। बिहार के बाद जरा तस्वीर मध्य प्रदेश की भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां और जो नाले हैं वो उफान पर है। अलीराजपुर में भी बारिश की वजह से नाले में उफान आ गई। 22 सवार 3 लड़कों ने उफनते नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से बाइक पानी के बीच में फंस गई। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने लड़कों को बहने से बचा लिया। कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो सड़क है वो जलमग्न हो गई है। पुल जिसके नीचे से पानी एक वक्त पर बहता था, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। लोगों के लिए इस तरफ से उस तरफ, इस छोर से उस छोर जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लोग कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर इसी तरह सैलाब को पार करने की कोशिश करते नजर आते हैं। कई बार पानी के तेज बहाव में हमने बहते हुए भी लोगों को देखा है, लेकिन उन सब के बावजूद जरा इन 3 लोगों को देखिए, बाइक पर बैठकर किस तरीके से इस पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं, पुल के ऊपर से गुजरते नजर आ रहे हैं। लेकिन यही बीच में उनकी ये जो बाइक है वो फंस गई। गनीमत ये रही कि जो स्थानीय लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर आए, उन्होंने इन लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। तो 3 लड़के जो पानी के बीच में फंस गए थे, जिन्हें बाद में वहां स्थानीय लोगों की मदद से निकाला जा सका, लेकिन कई लोग अभी भी हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इसी तरह से सड़क पुल पार करते हुए नजर आते हैं। तो मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, कई इलाकों में अभी आसमान से आफत बरस रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। नदी नाले तो उफान पर है ही, बारिश की वजह से जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये पानी और गांवों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। कई गाँव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं जो निचले इलाके में पड़ते हैं। कई गांव अभी ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा दिन प्रतिदिन मंडराता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट किया है लोगों को कि सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि राहत टीमें उन तक पहुंचे और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके समझ में नहीं आ रहा कि अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित ठिकाने के लिए वो जाएं तो जाएं कहां। ये समस्याएं बनी हुई हैं, कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, राशन उनके पास खत्म हो चुका है, और ऐसे में सिर्फ एक प्रशासन की तरफ ही उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम के बाद अब कांग्रेस हमलावर है। अब की बार ट्रंप सरकार वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि ये गलत परंपरा डाली जा रही है, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में जिस तरह की बात सामने आई है उसे लेकर कांग्रेस ने अब सीधे प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है। तारिक अनवर इस बात को लेकर सीधे तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की बात कहना एक गलत परंपरा की शुरुआत है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं। तारिक साहब, प्रधानमंत्री की यूएस यात्रा और हाउडी मोदी प्रोग्राम जिसमें ट्रंप आए और भारत की शक्ति को दिखाता है, ये क्या आप कहेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर? नहीं देखिए, जब ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था तो हम लोग को लगा था कि इसका लाभ भारत को मिलेगा, भारत सरकार को मिलेगा, देश को मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले से ये प्लानिंग हो चुकी थी, योजना बन चुकी थी कि वो ट्रंप के प्रचार के लिए जा रहे हैं, और जिस तरह से वहाँ जाकर उन्होंने ट्रंप के लिए प्रचार किया, हमें एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधान के लिए या वहाँ के राष्ट्रपति के लिए कंपेन कर रहा हो, उनसे और लोगों से वोट मांग रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलत शुरुआत हुई है। लेकिन मुद्दे भी उठाए उन्होंने वहाँ पर, भारतीय अमेरिकियों का जो मुद्दा था, साझा हित की बात की उन्होंने, टेररिज्म की बात की और कहा कि सबको पता है कौन टेररिज्म दुनिया में फैलाता है, भारत में खास तौर से, और साथ ही साथ कहा कि इस्लामिक टेररिस्ट जो है, टेररिज्म जो है उससे निपटने की साझा रणनीति दोनों देशों को हक है कि वो बनाए। देखिए, और टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सही है, बाकी तमाम चीज़ें, लेकिन जो प्रधानमंत्री का वहाँ भाषण था वो लग रहा था कि वो जैसे चुनाव के लिए वोट मांगने गए वहाँ, तो इससे ये बात एक गलत परंपरा की शुरुआत मैंने इसलिए कहा कि हमारी विदेश नीति का कभी ये हिस्सा नहीं रहा कि हम दूसरे देश की राजनीति में दखल दें, और ना हमने कभी इस बात की इजाज़त दी कि कोई विदेशी आकर हमारे यहाँ हमारे राजनीतिक मामलों में दखल दें। तो ये पहली बार मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, और जो निंदनीय है।
वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जहां एक लड़का साइकिल समेत पानी में बह गया, जिसे तलाश किया जा रहा है। वहीं एक लड़की को नदी पार करते समय डूबने से उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग इन इलाकों पर जान जोखिम में डालकर इस तरीके से पुल सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, भारी बारिश से कई इलाके वहां पर डूब चुके हैं, सड़कें पूरी तरीके से तालाब बन चुकी हैं, पुल जो है उस पर पानी भरा हुआ है, जिससे गुजरना लोगों के लिए खतरनाक है। ये सब जानते हुए भी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। खतरनाक पुल है, पुल छोटा है, एक छोटा बना है, वो भी कोई काम का नहीं, जे भी बना है, जे भी कुछ काम कर रहे हैं। बारिश में क्या करते हो आप लोग? कुछ छिक जाते हैं साहब, आदमी बीमार हो जाता है, खत्म ही होता है वो, कुछ रास्ता नहीं है। क्या करते हो बारिश में? बस छिक जाते हैं तो घर बैठते हैं, जो दाल दरिया वो खा के टाइम पास करते हैं, वो उससे तो ऊपर ही जाना है, फिर कहाँ से जाएंगे, चारों तैया से रास्ता बंद है। वहीं बिहार में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बिहार के भोजपुर में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। बड़हरा में गंगा जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से 146 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। वहीं लगातार पानी बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। सोनिया गांधी चिदंबरम से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। अंदर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का काफिला पहुंच गया है, लगभग 15 से 20 मिनट की मुलाकात होने वाली है। लिए उन्हें विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ा है, लेकिन वो अब भी दीवार बनाने पर अड़े हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने सख्त रुख दिखाते हुए सीट बंटवारे पर बीजेपी से 50-50 का फॉर्मूला लागू करने की मांग की। बीते रोज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता दिवाकर राउते ने भी बराबर सीटें नहीं दिए जाने पर गठबंधन तोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भी अमित शाह के पुराने बयान का हवाला देते हुए दिवाकर राउते की मांग को सही ठहराया। 50-50 का फार्मूला अमित शाह साहब ने उस वक्त घोषित किया था, दिवाकर राउते जी ने गलत क्या कहा है? बीजेपी ने उम्मीद जताई कि वो सीट बंटवारे पर फंस रहे पेच को आसानी से सुलझा लेगी। आप देखते रहिए, अभी मैदान एकदम पास है, थोड़े ही दिनों में आपको खबर मिलेगी। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर शिवसेना की धमकी को खोखला करार देते हुए तीखा तंज किया। भारतीय जनता पार्टी के सामने बात करने की शिवसेना की 5 साल में कभी आवाज उन्होंने किया नहीं, आगे भी वो आवाज करेगी नहीं। सौबात की एक बात यह कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने बीजेपी से बराबर सीटों की मांग की और इशारों में गठबंधन तोड़ने की धमकी भी दे डाली। बीजेपी ने मामले को आसानी से सुलझाने का भरोसा जताया, लेकिन विरोधियों को बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर हमले का मौका मिल गया। टेलीकॉम कंपनियों के कामकाज की निगरानी करने वाली संस्था TRAI ने 4G नेटवर्क से जुड़े नए आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक जियो का 4G नेटवर्क बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों से बहुत बड़ा है। TRAI के आंकड़ों में 4G नेटवर्क के मामले में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की हालत काफी खराब दिखी। आंकड़ों के मुताबिक जियो के पास फिलहाल 7,86,000 ई नोड्स हैं, जबकि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के पास कुल मिलाकर 5,00,000 ई नोड्स ही हैं। ई नोड्स वो डिवाइस होता है जिसे 4G नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर पर लगाया जाता है। ज्यादा ई नोड्स वाली कंपनी के 4G नेटवर्क को ज्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि इससे डेटा डाउनलोड और अपलोड करने की स्पीड बढ़ जाती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी योजनाओं को सफल बताया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार 2.5 साल में 2.5 कोस भी नहीं चल सकी, जिस पर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उनकी विफलता ही हमारी सफलता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जनता ने इसीलिए उनको नकारा था। CM ने कहा कि सरकार ने 2.5 साल में 5 साल जितना किया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जोरदार हमला बोला। 100 दिन वहाँ के और 2.5 साल यहाँ के, और 2.5 साल में 2.5 कोस ही चले हैं। दोनों सरकारों का मिला लें रफ्तार तो बैलगाड़ी से ज्यादा तेज नहीं चल पा रही है सरकार। कांग्रेस ने भी सरकार को निशाने पर लिया। पर जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जा रही है, वही इनकी उपलब्धि है। सौ बात की एक बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2.5 साल पूरे कर लिए और सरकार के 2.5 साल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अब पूरी दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी, इसका ऐलान दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। सरकार की तरफ से पूर्वी दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था।
जिस पर अब सरकार ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई ये योजना सफल रही है। सरकार के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस से हर महीने 600 से ज्यादा मरीजों को फायदा हो रहा है। जल्दी से फर्स्ट एड मिल जाए या जल्दी से पेशेंट को एक पैरामेडिक्स मिल जाए तो उसके लिए हमने बाइक एम्बुलेंस लाई है, तुरंत 10 मिनट 15 मिनट में वहां पर पहुंच जाए। संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में एम्बुलेंस सेवा मुश्किल से ही मिल पाती है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाइक एम्बुलेंस सेवा को अपनाने का फैसला किया था ताकि मरीजों को वक्त पर अस्पताल लाया जा सके। जो ये बाइक एम्बुलेंस है इसमें क्या क्या सामान है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये बाइक एम्बुलेंस है बेसिकली उन एरियाज के डिजाइन किए गए जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है या ट्रैफिकली बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। बाइक एम्बुलेंस बुलाना मोबाइल ऐप पर ओला और उबर की टैक्सी बुक करने जितना आसान है। हर बाइक एम्बुलेंस पर एक मोबाइल की सुविधा है। इस मोबाइल से ही पता लगता है कि किस इलाके में मरीज को एम्बुलेंस की जरूरत है। यही नहीं, तबीयत खराब लगने पर भी लोग बाइक एम्बुलेंस की मदद ले सकते हैं। शकरपुर में एक शख्स को जरूरत महसूस हुई और बाइक एम्बुलेंस उनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुँचे। शुरुआती जांच है वो एक तरह से कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद अब वो दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस सेवा का जाल बिछा देगी। फिलहाल पूर्वी दिल्ली में 16 बाइक एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है जिनकी संख्या भी जल्द बढ़ाई जा सकती है। सौबात की एक बात यह कि पूर्वी दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई गई बाइक एम्बुलेंस सेवा के नतीजे अच्छे रहे और यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी में जुट गई है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को फायदा हो सके। दिल्ली विधानसभा से अलका लांबा की सदस्यता रद्द कर दी गई। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर दिल्ली विधानसभा से अलका लांबा की सदस्यता रद्द कर दी गई। सीबीआई ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को तीसरी बार नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 40,000 से ज्यादा सरपंचों और पंचायत सदस्यों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। बीएस धनोआ के रिटायर होने के बाद राकेश कुमार सिंह भदौरिया नए वायुसेना प्रमुख होंगे। 8 साल पहले जापान में आई सुनामी के बाद फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में हुए हादसे के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया। यूपी के कुशीनगर में दिग्विजय सिंह के उस बयान के खिलाफ एक बीजेपी विधायक के बेटे ने केस दर्ज करवाया जिसमें दिग्विजय ने भगवा पहनने वालों पर विवादास्पद बयान दिया था। झारखंड पुलिस ने भीड़ की हिंसा से तबरेज की मौत के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा फिर से जोड़ दी। फिर से मुजरिमों को दफा 302 लगवाई और उम्मीद करते हैं प्रशासन से जो भी मुजरिम है उसको फांसी के तख्ता तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। सीबीआई ने भुवनेश्वर में ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 1 करोड़ रुपए लेकर एक ऐसी चिटफंड कंपनी के प्रचार का आरोप था जिसके खिलाफ पहले ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज थे। एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के मामले पर दिल्ली में मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंदी की खबरों को गलत बताया। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पहले दौर में मनिका बत्रा और जी साथियान समेत 10 खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर ली। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को पाकिस्तान का दौरा करने की इजाजत दे दी जबकि 10 खिलाड़ियों ने आतंकी खतरों की वजह से अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई थी। यूपी के प्रयागराज में यमुना नदी पर बने एक पुल के पिलर पर चढ़े एक लड़के को 2 दिन बाद नीचे उतार लिया गया। ये लड़का चांद की सतह पर लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क नहीं होने से दुखी होकर पिलर पर चढ़कर पूजा कर रहा था जिसे 2 दिन बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से नीचे उतार लिया। इससे पहले लड़के को नीचे उतारने के लिए पुलिस ने वाराणसी से एक क्रेन मंगवाई और उस क्रेन पर कुछ लोग सवार होकर उस लड़के के पास पहुंचे और काफी कोशिश के बाद उसे नीचे उतारा। इस दौरान लड़का अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए था। चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम का संपर्क इसरो से टूट गया था, इसके लिए सामना कर रहा था ऊपर। इस बीच पुल पर भारी जाम लग गया, वहां लोगों की भीड़ जुट गई। नीचे उतरते ही लड़के ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की मांग कर डाली। योगी आदित्यनाथ से मुझे मिलना है, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पुलिस उस लड़के को एक गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गई। 4-5 बार से इस पुल पे चढ़ता चला आ रहा है, कभी ये गौशाला बनवाने की मांग करता है, कभी पेड़ों को लगवाने की बात करता है। कुछ देर बाद पुलिस ने पुल पर लगे जाम को खुलवा दिया जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। सौबात की एक बात यह कि 2 दिन तक एक पुल के पिलर पर चढ़े लड़के ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी थी। प्रशासन के सामने उसे सुरक्षित नीचे उतारने की चुनौती थी जिसे बखूबी अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने लड़के की इस हरकत के लिए उस पर कार्रवाई की बात भी कही। तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के एक अस्पताल में फिर धमाका किया। बीते 48 घंटों में यह चौथा बड़ा हमला है जिसकी वजह से जाबुल प्रांत में 20 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आशंका जताई गई कि एक तालिबान आतंकी ने पाकिस्तान के अंदर खुद को बम से अस्पताल के अंदर खुद को बम से उड़ा दिया।
इस धमाके की वजह से अस्पताल की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। हाल ही में अमेरिका के साथ तालिबान की बातचीत रद्द हो गई है, जिसकी वजह से तालिबान ने वहां हमले तेज कर दिए। ह्यूस्टन में 50,000 से ज्यादा भारतीयों की मौजूदगी और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बिना नाम लिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर से 370 हटाए जाने से कुछ ऐसे लोग भी परेशान हैं जिनसे खुद अपना देश संभाला नहीं जाता है। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हाउडी मोदी कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उससे कड़े शब्दों में चेतावनी दी। ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद से लोगों को बचाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका को अपनी सीमाओं की सुरक्षा का हक है। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Thank you. Both India and the United States also understand that to keep our community safe, we must protect our borders.
अमेरिका के ह्यूस्टन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पीएम मोदी ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला पिछले 70 साल से रुका हुआ था और आर्टिकल 370 हटाकर भारत ने कश्मीर के लोगों को दूसरे भारतीयों के समान बराबर का हक दिया है। ट्रंप के सामने 370 हटाने का जिक्र कर पीएम मोदी ने फिर दुनिया को संदेश दिया कि कश्मीर से 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला था और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए, ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। वहां की महिलाओं, बच्चों, दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई, जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है, बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को 2/3 बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। समर्थक है, आतंक को पालते पोसते हैं। सोनिया गांधी चिदंबरम से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। अंदर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का काफिला पहुंच गया है। लगभग 15 से 20 मिनट की मुलाकात होने वाली है।
किया और राजनाथ सिंह ने मीडिया से अपना अनुभव साझा किया। फ्लाइंग वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई वाज एंजॉयिंग। इसी साल फरवरी में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भी तेजस में उड़ान भरी थी और उस दौरान देश में ही तैयार किए गए तेजस को औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया था। पूरी तरह भारत में बना तेजस लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकता है और दुश्मन के रडार को भी ये विमान आसानी से चकमा दे सकता है। हवा से हवा में और हवा से जमीन में मार करने की ताकत भी तेजस में है। इतना ही नहीं, तेजस के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर लेजर गाइडेड बमों से भी हमला किया जा सकता है। सौ बात की एक बात यह कि राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए और उन्होंने अपने अनुभव को शानदार बताया। तेजस लड़ाकू विमान को वायुसेना की नई चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया गया। वायुसेना के बेड़े से मिग 21 के हटाए जाने के बाद इन विमानों की सख्त जरूरत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के हाउडी मोदी कार्यक्रम के बहाने अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री पर तंज कसा। पिछले कई दिनों से कांग्रेस आर्थिक मंदी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है और इस बार राहुल गांधी ने 22 सितंबर को अमेरिका में होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम के बहाने अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उनसे देश की अर्थव्यवस्था का हाल पूछा। साथ ही राहुल गांधी ने हाउडी इकोनॉमी का हैशटैग भी ट्वीट किया। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी के प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल को सही ठहराया। बिल्कुल सटीक बात कही कि आप प्रायोजित शोध में तो जा रहे हैं और जो देश के अंदर आम आदमी की कठिनाइयां चरम की तरफ बढ़ रही हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं। जिसके बाद बीजेपी नेता माधव भंडारी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी से उसी अंदाज में कांग्रेस का हालचाल पूछ लिया। राहुल गांधी अगर हाउडी इकोनॉमी पूछ रहे तो राहुल गांधी ने पहले ये सवाल अपने माँ से पूछना चाहिए कि हाउडी देशों से हर साल बड़ी तादाद में लोग अवैध तौर पर मेक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसते हैं, इसलिए ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में लोगों से सीमा पर दीवार बनाने का वादा किया था। हालांकि इसके लिए उन्हें विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ा है, लेकिन वो अब भी दीवार बनाने पर अड़े। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने सख्त रुख दिखाते हुए सीट बंटवारे पर बीजेपी से 50-50 का फॉर्मूला लागू करने की मांग की। बीते रोज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता दिवाकर राउते ने भी बराबर सीटें नहीं दिए जाने पर गठबंधन तोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भी अमित शाह के पुराने बयान का हवाला देते हुए दिवाकर राउते की मांग को सही ठहराया। 50-50 का फार्मूला अमित शाह साहब ने उस वक्त घोषित किया था, दिवाकर राउते जी ने गलत क्या कहा है। बीजेपी ने उम्मीद जताई कि वो सीट बंटवारे पर फंस रहे पेच को आसानी से सुलझा लेगी। आप देखते रहिए, अभी मैदान एकदम पास है, थोड़े ही दिनों में आपको खबर मिलेगी। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर शिवसेना की धमकी को खोखला करार देते हुए तीखा तंज किया। भारतीय जनता पार्टी के सामने बात करने की शिवसेना की 5 साल में कभी आवाज उन्होंने किया नहीं, आगे भी वो आवाज करेगी नहीं। सौ बात की एक बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने बीजेपी से बराबर सीटों की मांग की और इशारों में गठबंधन तोड़ने की धमकी भी दे डाली। बीजेपी ने मामले को आसानी से सुलझाने का भरोसा जताया, लेकिन विरोधियों को बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर हमले का मौका मिल गया। टेलीकॉम कंपनियों के कामकाज की निगरानी करने वाली संस्था TRAI ने 4G नेटवर्क से जुड़े नए आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक जियो का 4G नेटवर्क बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों से बहुत बड़ा है। TRAI के आंकड़ों में 4G नेटवर्क के मामले में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की हालत काफी खराब दिखी। आंकड़ों के मुताबिक जियो के पास फिलहाल 7,86,000 ई नोड्स हैं, जबकि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के पास कुल मिलाकर 5,00,000 ई नोड्स ही हैं। ई नोड्स वो डिवाइस होता है जिसे 4G नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर पर लगाया जाता है। ज्यादा ई नोड्स वाली कंपनी के 4G नेटवर्क को ज्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि इससे डेटा डाउनलोड और अपलोड करने की स्पीड बढ़ जाती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी योजनाओं को सफल बताया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार 2.5 साल में 2.5 कोस भी नहीं चल सकी, जिस पर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उनकी विफलता ही हमारी सफलता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जनता ने इसीलिए उनको नकारा था। CM ने कहा कि सरकार ने 2.5 साल में 5 साल जितना किया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जोरदार हमला बोला। 100 दिन वहाँ के और 2.5 साल यहाँ के और 2.5 साल में 2.5 कोस ही चले हैं। दोनों सरकारों का मिला लें रफ्तार तो बैलगाड़ी से ज्यादा तेज नहीं चल पा रही है सरकार। कांग्रेस ने भी सरकार को निशाने पर लिया। पर जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जा रही है, वही इनकी उपलब्धि है। सौ बात की एक बात है।
पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला सोमवार को लगातार सातवें दिन जारी रहा। इन सात दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल एक रुपए 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया, जबकि डीजल के दाम में भी एक रुपए 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी के तेल प्लांट पर 14 सितंबर को हुए हमले के बाद भारत में तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 29 पैसे और डीजल की कीमत में 19 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कल यानी रविवार को दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 21 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभानी में है। यहां आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 81.51 रुपए प्रति लीटर है, यानी 81.51 रुपए प्रति लीटर है। तीन दिन में भोपाल में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। यहां पर भोपाल में 5 नंबर पेट्रोल पंप पर जो 3 रुपए पहले लगभग बढ़ाए गए थे राज्य सरकार की तरफ से, 2 दिन पहले राज्य सरकार ने वैट बढ़ाया था। इस आधार पर कि मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है और उससे जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई के लिए किसानों की मदद के लिए अतिरिक्त फंड कहां से जुटाया जाए, तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर राज्य सरकार ने ये फंड जुटाने की बात कही थी। उसके बाद लगातार रोज ही 15-20 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, क्या असर पड़ता है आप पे? सर बहुत असर पड़ता है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सर टैक्स कम नहीं कर रहे, जबकि टैक्स सब जगह GST लागू हो चुकी है। सर टैक्स में भी टैक्स कम ही आना चाहिए सर, जिससे टैक्स कम होगा तो सर वैसे 35-36 रुपए लीटर पड़ता है ये पेट्रोल। सर टैक्स कम होगा तो सबको फायदा होगा। तो वैट के दायरे से निकाल कर GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की बात कर रहे हैं। आपने कितना पेट्रोल डलवाया? मैंने 90 रुपए का डलवाया मैंने। तो क्या मतलब ये ठीक है, आपका ठीक ठाक चल रहा है? तो है नहीं सर, अभी और बढ़ गया और क्या मालूम कम होना चाहिए ना सर। हमें सर एक महंगाई बढ़ते जा रही है, पेमेंट इतनी बढ़ नहीं रही, हम लोगों की फ्रॉड जॉब करते रहते, बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को, थोड़ा कम होना चाहिए। जो पेट्रोल के दाम है लगातार बढ़ते हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? मैं चाहता हूं कि जब सरकार 38 रुपए प्रति बैरल पेट्रोल खरीद रही है और 42 रुपए टैक्स लगा रही है, किस हिसाब से लगा रही है? टैक्स तो बहुत ज्यादा है ना, फिर पूरे मतलब आप देख रही है पूरे देश में सबसे ज्यादा MP में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मैं इस समय दादर के भारत पेट्रोल पंप पे हूँ। आज के जो रेट के लिए हैं वो 79.52 पेट्रोल के रेट हैं, जबकि 70.16 के आसपास डीजल के रेट खुले हैं। यहाँ पर मैं पेट्रोल पंप पे हूँ, यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं जो पेट्रोल भराने के लिए पहुँचे हुए हैं, डीजल भराने के लिए पहुँचे हैं। उनसे पूछते हैं कि आज के किस तरीके से रेट खुले हैं और उससे आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लगातार आम आदमी इससे सफ़र करता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप बताइए कि आज जो रेट खुले हैं, आज भी बढ़ोतरी दर्ज की है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, देखने के लिए तो अच्छी तरह से भी देख सकते हैं, बुरी तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सीन ऐसा है कि जहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो मुश्किलें होने वाली है सब लोगों को। लेकिन उसी तरह से अगर हम देखे जाए, आगे जाके देखे जाए, तो ये इकोनॉमिकली भी ठीक हो जाएगी जो जो कि मोदी जी कर रहे हैं। तो आज ये अगर ये 79.52 है तो उसको अगर बढ़ के 85-86 तक आ गया तो भी आगे जाके हमें फ़ायदा ही होने वाला है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि इसको दोनों तरीके से देखा जाता है, आगे भी जाके इसका फायदा होगा। और यहाँ पर हमारे साथ दूसरे लोग हैं, बाइकर्स। आप बताइए कि आप लोग रोज बाइक चला रहे हैं शहर में, दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसे कैसे देखते हैं? दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी सैलरी भी वैसे कुछ एडजस्ट हो रहा है। दिल्ली तो बाइक नहीं निकलते, कभी अर्जेंसी है तो ही बाइक निकलते। दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्या आपकी जेब पर ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, असर पड़ रहा है इसको लेकर? जेब पे तो असर पड़ रहा है, अभी सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए, दाम कम करने चाहिए पेट्रोल के डीजल के। जहाँ एक तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्याज के दाम बढ़ने से आम लोगों का जो बजट है वो बिगड़ गया है। बाजार में प्याज की ज्यादा डिमांड और सप्लाई कम होने की वजह से प्याज के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, पटना, चंडीगढ़, हर जगह प्याज महंगा बिक रहा है। प्याज के दामों में लगातार उछाल आ रहा है। इस वक्त हम एक मंडी पे मौजूद हैं, जहां अगर प्याज के दाम जाना जाए तो आज प्याज यहां 60 रुपए किलो बिक रही है। भैया, अगर आपसे बात की जाए तो प्याज के दामों में इतना उछाल क्यों आ रहा है? मैम, पीछे से माल कम आ रहा है और वो सफर सड़ गई है, तभी माल महंगा आ रहा है। तो आगे भी क्या दाम बढ़ सकता है? 80 भी किलो पहुँच जाएगी, 80 तक पहुँच सकती है। जी। अच्छा, कुछ कस्टमर्स भी यहाँ मौजूद हैं जो प्याज खरीद रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आपने प्याज खरीदी है? हाँ जी। कितने रुपए किलो प्याज ले रही है? 60 रुपए किलो। 60 रुपए
प्याज लगातार महंगी होती जा रही है, किस तरह से बजट चल रहा है, कैसे मैनेज कर रही हैं? क्या कर रहे हैं, मैनेज तो करना पड़ेगा क्योंकि इसके बिना तो कोई काम होता ही नहीं है प्याज के बिना, और प्याज के अलावा कोई सब्जी बनती भी नहीं है, तो क्या करें, खरीदनी पड़ेगी प्याज इतनी महंगी, क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से सब्जियों के दाम में आग लग गया है, और सबसे ज़्यादा अगर सब्जी कुछ महंगी हुई है तो वो प्याज है। प्याज रुला रहा है क्योंकि प्याज काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया। मेरे साथ यहाँ पे कुछ गृहिणियाँ हैं, पहले इनसे बात करते हैं। प्याज काफ़ी महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मैनेज करिए, सब्जी में से प्याज गायब हो गया क्या आपके? नहीं, प्याज महंगा हो गया तो प्याज खाना तो मुश्किल हो गया, अभी खाते थे एक, अब वो भी मुश्किल हो गया, नहीं खा पाते हैं, और क्या ना सब्जी में डाल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो जायका ख़त्म हो गया, सावन अभी फिर से दोबारा हम सावन मना रहे हैं, प्याज इतने महंगे हो गए हैं, प्याज के बिना ही सब्जियां बन रही हैं, सारे चीज़ जितने भी पकवान मतलब सब्जी वगैरह जितने भी हैं सारे बिना सब प्याज के ही बन रहे हैं। तो प्याज रुला रहा है कहा जा सकता है क्योंकि सब्जियों के दाम में आग लगा है, और सबसे ज़्यादा अगर रुला रहा है दामों में तो वो है प्याज, क्योंकि प्याज का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आंटी, सब्जी में से अगर बात की जाए तो सब्जी का रेट अभी आसमान छू रहा, क्या कहना चाहेंगे, कैसे मैनेज करी, बजट गड़बड़ाया घर का या नहीं गड़बड़ाया? ज़्यादा खाते थे से अब कम खा रहे हैं, किलो खाते थे तो पाव खाते हैं। वो थोड़ा बहुत सब्जी हम लोग खा रहे हैं, उतना में ही काम चला रहे हैं। उधर मुंबई के पास भिवंडी में एक तेज रफ्तार कार ने चार लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार चलाने वाले को पुलिस ने हालांकि हिरासत में ले लिया है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, चार लोगों को कुचलता हुआ हादसे में एक महिला की मौत हुई है, तीन लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, और ये भिवंडी में आपको बता दें ये बड़ा हादसा हुआ है। वही दिल्ली के किराड़ी में बीजेपी की सभा को रद्द कर दिया गया, बीजेपी की सभा को दो पार्षदों के बीच झगड़े की वजह से रद्द किया गया। बीजेपी की दो निगम पार्षद इसी बात पर आपस में भिड़ गईं। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी आपस में मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दी है और सभा को रद्द करना पड़ा है। तो ये मारपीट की तस्वीरें दिल्ली के कराठी की देख रहे हैं, जहां पर दरअसल बीजेपी की सभा थी और इसी सभा में ये पार्षद लोग पहुंचे थे, लेकिन दो पार्षदों के बीच झगड़ा हुआ। वजह क्या रही वो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन किसी वजह से ये आपस में भिड़ गए, जिसके बाद स्थिति वहां पर गहमा गहमी होती दिखी। इस दौरान जो कार्यकर्ता थे, दोनों ही पार्षदों के समर्थक जो थे, वो भी आपस में भिड़ते नजर आए, जिसके बाद दोनों पक्षों ने हालांकि अपनी अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है, लेकिन इन सबके बीच जो सभा थी उसे रद्द करना पड़ा। वही दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास पुलिस पर फायरिंग करने की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। कल सफेद कार में सवार करीब चार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। बताया गया कि ये बदमाश गाड़ियों में लोगों को बैठाकर ले जाते थे और फिर लूट को अंजाम देते थे। बदमाशों की फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की, लेकिन बदमाश भाग गए थे। वही बीती रात दिल्ली के लाडोसराय इलाके में दिल्ली हाट में अचानक भीषण आग लग गई, और आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग रात करीब 10:27 पर लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद दिल्ली हाट के जो कर्मचारी थे, पहले उन्होंने कोशिश की कि वो आग पर काबू पा ले, लेकिन जब आग पर काबू नहीं वो पा सके तो फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर जब फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक आग जो थी वो पूरी इमारत में फैल चुकी थी और छत के ऊपर से ही आग की लंबी लंबी लपटें दिखाई दे रही थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। राहत की बात इन सब के बीच ये रही कि आग से कोई घायल नहीं हुआ। शुरुआती जांच में आग के पीछे शॉर्ट सर्किट को कारण बताया जा रहा है, और इस आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। हमारी कई गाड़ियां जो है अलग अलग स्टेशनों से, नेहरू प्लेस, भिकाजी, सफदरजंग, तीन जो नियरेस्ट स्टेशन है वहां से गाड़ियां चली और आग पे काबू पाने की कोशिश की है उन्होंने। ये दिल्ली हाट आप इसे दिखाई दे रहा है आपके बोर्ड के पीछे, देख लीजिए दिल्ली हाट है, इसमें करीब 12 गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू के किश्तवाड़ से तीन संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ लगातार जारी है। आशंका जाहिर की जा रही है कि पिछले दिनों कई आतंकी घटनाओं में ये शामिल हो सकते हैं, और सुरक्षा बलों से हथियार छीनने के मामले में भी इन पर शक जाहिर किया जा रहा है, पूछताछ लगातार इनसे चल रही है। जम्मू के किश्तवाड़ में ये संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, तीन आतंकियों को पकड़ा है सुरक्षा बलों ने और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों सुरक्षा बलों से हथियार छीनकर भागे कुछ आतंकियों में से ये शामिल हो सकते हैं, और माना जा रहा है कि राजनेताओं की सुरक्षा में तैनात कुछ
और सुरक्षा बलों के हथियार छीनने वाले आतंकियों में इनका नाम शामिल हो सकता है।